ये छोरा मेरा गैल पढ़ रहा था, इनका हरियाणा में चुनाव हो ने, ये मुद्दा पर चुनाव है को नहीं, उन्हीं चुनाव हो जाए जात पात पर ना, इधर मुद्दे बहुत ज्यादा है। हाँ। किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, मुद्दे बहुत ज्यादा है इधर तो हरियाणा में। तो ये कैन लेके बैठेंगे इनके मुद्दे मुद्दे बीजेपी ने लेके बैठे, या तो गई 8 तारीख के बाद, या दिखेगी वो ना 8 के 5 तारीख के पास ये बाहर ना निकले। अग्निवीर का भी मुद्दा है हरियाणा में, तो सबसे बहुत खास मुद्दा है ना अग्निवीर का, तो हरियाणा का तो आप भी देखते हो, उसे भी देखते हो, 10वां जवान हरियाणा का होता फौज के अंदर पहले जद्दर के। अच्छा, तो बहुत होया करते पहले। हाँ बहुत ही जद्दर, ये मतलब ज्यादातर हरियाणा के जा रहे, हरियाणा में भी ज्यादातर रोहतक, जद्दर, सोनीपत, रिवाड़ी, ये बहुत ज्यादा होया करते। हर 10वां जवान हरियाणा का पाया करता है, ये मेडल आवे इसमें देख लो हरियाणा के नाम, पहले हरियाणा का होगा पहला मेडल, हरियाणा का लिए का होगा कोई भी आओ। ये 10 साल में कोई काम नहीं करे, कोई ये नहीं हुआ करके भाई हमने यो प्रोजेक्ट लिया हम हरियाणा में, भाई कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल बनाया हो, और कुछ बनाया हो, बिजली का प्लान, हाँ कोई भी चलो कराओ तो बता दो। तो एक बात बताओ, जज्जर में फौजी बहुत जाया करते। हाँ। फौज में जाना तो अनपढ़ता ही नहीं सानी। मैं फौजी हूँ ये मान्या करते भी, मोदी ने वो आरोपी दे दी। नहीं नहीं एक बात बताओ, उससे पहले वाली बात बताओ। हाँ। कि एक आम धारणा ये थी कि फौज में जाना जड़े, जिस एरिया के लोग जितने ज्यादा फौज में जाओगे उसका मतलब वो एरिया उतना ज्यादा पिछड़ा हुआ, उतना ज्यादा अनपढ़ है। पहले जो थे, पहले तो देखो पूरे भारत वर्ष में ही साक्षरता नहीं थी, ये तो सब हर जगह पढ़े लिखे मिलते हैं। जब तक नुका करते भाई हरियाणा में जो घर तो रूस के चले जाता फौज में भर्ती हो जाता। अच्छा। हाँ जाके लाइन में खड़ा हो जाता। हाँ। और लंबे ठाडे थे वे फौज में सिलेक्शन हो जाता उनका। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये तो दुजाना गांव है ना, दुजाना गांव नवाबों का गांव है ये। तो ये दुजाना का अंडर में जब स्टेट था यो, तब कितने गांव आया करते, या एक के गांव था ना? 24 गांव थे, 24 प्रांत थे, 3 ही आड़े। हाँ 3 ही आड़े थे, दुजाना, चिमनपुरा, मराना। अच्छा। और 24 गांव नाड़ का ना थे, और मतलब यहाँ तो दूर थे। हाँ नाड़ की तरफ थे, कोसली नाड़। तो ये आस पास के गांव नहीं थे ना, और नहीं थे, पर नवाब आड़े रहा करता। नवाब आड़े रहा। तो नवाब की तो कोठी काठी भी है ना आड़े? हाँ कोठी भी है, वही खाली पड़ी सुनसान ना, स्कूल है उसमें। अच्छा स्कूल चल रहा है, सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल। अच्छा अच्छा। और जमीन जमीन जो थी नवाब वाब की वो सारी आई गई? ये आई गई भी ना, मुरबे मिल के जमींदार ने जिनके पूर्वज भाई आज़ादी में लड़ाई में भाई गुजर गए थे, जिस तरह पेट्रोल पंप दे गैस एजेंसी दे, जब जमीन दिया करते मुरबे दिया करते, तो मुरबे है। तो किसाक था वो नवाब, ठीक आदमी था किस? देखो जी हम तो आड़े सारे लगभग जाट बैठे सा, सारे बाहर से आए, कोई डिगल से, हम से लगभग सारे डिगल से है, ये भाई गोची से है। अच्छा है, जाट इधर का कोई नहीं था, सब बाहर से आए हुए। अच्छा जाट बाहर था कि बस इंदौर जाना? बस के मुरबे मिल गए थे आड़े। अच्छा। हमारे पूर्वजा ने लड़ाई लड़ी थी और आज भी लड़ाई है, हरियाणा वाले कभी उल्टे नहीं हारते लड़ाई में, ये तो आपको भी मालूम है। जो आपसी लड़ाई हो जाओ मूछा की लड़ाई मानना, चाहे फौज की लड़ाई हो जाओ, कहे की लड़ाई हो जाओ, मूछा की लड़ाई मानना फौज में। हाँ खट्टर के ले लिया तारे, खट्टर ने क्यों क्यों गाल काटे जाओ बेचारे? खट्टर ने तो हरियाणा का सत्यानाश कर दिया, पहले खिचड़ी खाता है, ड्राई फ्रूट खा है। कट्टर कट्टर गजब हो गया भाई। मुछा मुछा के देखता नहीं तेल तेल। हां मुछा का भी तेल तेल रख, मुछा का तेल तेल लागे रेडी रहे सिंगर की। ये तो आंख बनवाई है ताजा ताजा भाई। हां देखो जी एक बकरी है इन्होंने। हां जी ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये जनसंघ की सरकार है, ये हमारा सर छोटू राम कितनी तगड़ी पदवी थी, उसने गरीब और सबके मानता था, उसको भी रोहतक में इन्हें काले झंडे दिखाए थे। जाके हम नीली कोठी में
हाँ नीली कोठी छोटराम जब रोहतक आया सब 37 बरादरी तो उनके वो करे थे माला स्वागत बहनी स्टैंड पे और इन जाट कॉलेज दौर जाके काले झंडे दिखाए थे इन्हें जनसंघ ने जनसंघ क्यों वो इसके खिलाफ थे ये उनके भाई खाते नहीं खत्म कर दिए थे गरीब आदमियों का जो लिखे थे जीरो और लाले थे आग गए उनके खाते खत्म करवा दिए थे छोटराम ने तो वो उस चीज से नाराज थे भाई हम तो तबका अलग था ना अच्छा हाँ तो उसके बाद खिलाफत ई भी बीजेपी बन गई तो वो चीज तो वो है ई भी इसने हम उस पोर्टल पर घेर दिए सारे ये फसल बवा हम जागे वो करवा का हो उसमें वो भी पैसे ले मार दो रहे फर्द ले आऊँ अपनी वो भी पैसे ले मार दो रहे ये जमींदारा करा हाँ तो एक आधा आदमी तो वो है ये मारा वो इतने किल्या के नंबर याद ना और के मना वो फर्द लेनी पड़े उड़े पोर्टल करवाना पड़े फिर जाके ये खरीद करे हैं मतलब पोर्टल तो बढ़िया चीज है अंकल बढ़िया क्यों जल्दा और पटवारी किस लिए लगाए जा हैं वो फसल का मौके पा आगे देखो इसमें क्या है खाली है कि ना वो करो ऑनलाइन जल्दा 100-200 रुपए से उड़े लगवाया हम फर्द लेने में 100-200 रुपए सीएससी सेंटर वाले ले ले ये पटवारी और तनखा दी इनके ऊपर लगाओ भाई तब ये फसल का बीमा जो उसके बगैर पूछे खाते में काट ले है बीमा तो बहुत आया है कुछ नहीं आया यहाँ तो एक रुपया मिलया नहीं किसी को सारे डूबे पड़े अब देख लो जो पानी खड़े सारी फसल बीमा काटा है तो बगैर पूछे पोर्टल एक पैसा भी दिया होता है बोला दान मत लगाई हो हमने खाली भी राख दिए कहने के लिए उसका एक पैसा भी ना मिला किसी का भी क्यों पटवारी रुवेद को आता ना ये पोर्टल पर कौन जा सरकार की स्कीम का एक पैसा नहीं दिया बगैर पानी की खेती है ये पानी की खेती है इसलिए वो बाजरा उगाते पानी बचाने का हाँ मोटी फसल वो अरे पैसा भी नहीं दिया अरे किसे तो मूंग में बुआई थी फोटू तरुआ लिए मूंग में खड़े करके ना अरे करना मिल जाओ तो बैठा मूंग बोई थी मूंग बोई थी अरे एक चीज बता रहा जी ये तो इतनी झूठ बोले से आग मत पूछो बात वो ले जाता होगा कोई जो तगड़ा सिफारशी है वो ले जाता होगा मोदी सारी चीज कुछ नहीं मिलता मोदी सारे प्रोजेक्ट गुजरात में ले जाए हमारे हरियाणा में तो कभी देता ही नहीं कांग्रेस ने कभी यह मेट्रो ले आई थी भाई भादरगढ़ तक ले आई पर इन्हें भाई फरीदाबाद तक ले गुड़गांव में तक इस तक आगे एक पिलर भी आगे बनाया इन्हें हरियाणा में तो ये नहीं रोहतक सोनीपत झज्जर में पहले उड़ाने का काम कर रखी है जरूरत से अच्छा काम कर रहा कि तो हमने मतलब गुजरात में क्यों ले हमने नहीं कह दिया कि भाई इनको तो हम कुछ है नहीं वोट मारी नहीं है जब तक हम इसे भगावांगे जो कह ऐसे थे और उड्डन पूरे हरियाणा में काम करे थे कोई नहीं कहता भाई इसने रोहतक झज्जर में काम करे पूरे हरियाणा पहले की सरकार ने काम ना करी थी पहले की सरकार ने क्या काम करे रोहतक कुछ नहीं करे हरियाणा में तो तब करे पर वो बात तो करिए सोचना चाहिए ना हम थोड़े रात चलावा चलाओ है उन्हें सोचना चाहिए ना जब राजा बना के भेज दिया तो उन्हें निष्पक्ष काम करना चाहिए ये बात ठीक है तो पहल मैं गंदा काम की पहल कर दू तो आप भी फिर बदला तो लोगे वो ये चल लिया हो से यार सोच के ना चलाई जलाल ने चला भाई हरियाणा सन 66 में बने था मारा आड़ा है तो राज समझ ले 2004 में आया था हुड्डा के पास है उससे पहले तो प्रेम नहीं रहा था भजन लाल ओम प्रकाश चौटाला बंसीलाल ने तो सारे काम करे सब ने सारे तो काम करे हम कब कहे वहाँ नहीं करे उसको जनता भाई वोट देगी कोई भी है तो ये बीजेपी तो खार खा रहे हो
बीजेपी से घनी खार खा रहे हरियाणा के लोग तो सारा उसकी सराहना करते हैं सब बढ़िया काम कर रहे जो अच्छे आदमी अच्छे तो नहीं अच्छा लगे क्योंकि मोदी ने पसंद को नहीं तो गडकरी अच्छे लगे ना 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 जी वो काम सही कर रहे रोड ये बात मोदी के बिना काम कर दिया क्यों उसको तो मोदी कहता ही नहीं क्यों अगला अपना काम सही कर रहे है ना अच्छा आज तक उसने ना किसी पार्टी की ना किसी नेता की बुराई करी से काट भी नहीं करता किसी की अच्छा इनकी पार्टी में चले जाए तो भाई दूध दोए हो जा तो इनका गडकरी ने बनवा दिया फिर हरियाणा हाँ गडकरी ने बनवा दियो गडकरी ने करवा दियो हरियाणा हाँ करवा दियो गडकरी ने पर कट्टर मानत कौन गा कट्टर तो गए सेंटर में अभी ऊर्जा मंत्री बना दिया प्रचारामा का नाम काट दिया कल खबर नहीं सुनी कल सुनी नहीं खबर सुनकर आया हूँ बोला खट्टर बची कुछ हाँ ये भी चली जाएगी वो कल नाम काट दिया पोस्टरों से भी हटा दिया मोदी भी ने मेरी रैली में नहीं आना चाहिए खट्टर साहब भी कहे मेरी रैली में नहीं आना चाहिए ना कोई जो टिकट के टिकट मिल रही है जो रैली कर वे भी नहीं बुलाती खट्टर ने वोट कट्टे उससे कल वो खबर में थी तो मोदी का तो भगवान जाने के दे रखे मोदी ने देखो कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया उसने बटा के बोलना अच्छा वह है और नीचे से जुड़े उड़ आदमी भाई बीजेपी मोदी नीचे से जुड़े उड़ मोदी तो नीचे तो जुड़े मैं खट्टर की को खट्टर ने कड़े बोलना आवा था नीचे तो जुड़े खट्टर ना खट्टर की तरह नीचे जुड़ रहा है खट्टर को बता खट्टर कन के था अंकल खट्टर नीचे भाई बात सुनो बीजेपी में दो आदमी है चाल से अमित शाह गिर मोदी की वे चे आपने बना दे चे मन ने बना दो वे जो कह दे वो बन गया खट्टर तो जी हां कदे पंचायत का पूरा कोई ये देखता ना भाई कौन नेता पंच का लड़ा कोई वो जिला परिषद का मतलब कह नहीं सीधा मुख्यमंत्री सौंप दिया फिर भी आप न्यू देखो कि मोदी है ना जी ओ जी मोदी के उस्ते था मोदी ऐसे रामविलास शर्मा ने सब क्रांति करी बेचारा कुण में बैठा दिया रामविलास शर्मा था खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन था रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा बनाने रामविलास खुद ही बन जाता तो हाथ में भी हो भीतर ले जाकर हमने देखा था जब जब मोदी ने उड़े रामविलास शर्मा को बुलाया भीतर चाचू पे आ गए और फिर आड़ा हाथ धर कर और पार्क में ले आ गए बोले जाके खट्टर का नाम आमोदन कर देना देखा होगा टीवी में जब पहली बार बनाया था जब मोदी उसको कंधे बहादुर कर रामविलास शर्मा के पार्क में लेकर आया था बाहर निकलता हुआ बतलाता हुआ और बोले जाके खट्टर का नाम ले दिए मुख्यमंत्री हाँ बोले फिर सारे नहीं देखे वो सुन रहा रही है सारी ने पर्ची लगी बैठी थी ध्यान तेरी खुल रहा है वो चप दे रही थी वो पर्ची खुली थी उसकी बता दी शर्मा की भाई मोदी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाता अगर उनका काटा लाग जाते वे मोदी तो पूछन जा जी वो काटा किस तरह कटेगा शिवराज पाटिल को क्यों नहीं बनाया मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों पूछ नहीं था वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था मध्य प्रदेश में और बढ़िया काम कर रहा था हमने नहीं कहते खराब से शिवराज चौहान हाँ शिवराज चौहान वो बढ़िया काम कर रहा था मध्य प्रदेश में लेकिन वो इन्हें ना पूछा था ऊपर लेने वो हटा दिया सेंटर में लिया कांग्रेस वाले इतने योगी के पीछे पड़ रहे हाँ भाई योगी ने हटाओगे बात सुनिए 10 सीटा पे बाई इलेक्शन होगा भाई मारे साहब तो 5-5 तो दोनों वाकी सही और योगी की 4 आ गई ना उस दिन योगी मुख्यमंत्री से बाहर है योगी उतारना आ रहा था आ रहा था फिर हड़ना चल ना हरियाणा वाले समझाना आ रहा था योगी कि समझ जाओ धर्म जरूरी पर उड्डा तो यह भी तो डरेंगे भाई जो उड्डा आ गया तो वह फिर नई नौकरी लगेंगे जो बेचारे बालक इनके भी नहीं चलती रिश्वत मेहनत करें इनके भी अरे तो अंकल वाली बात सही बोल मेरे रिश्वत चला तो वह भी थोड़ी ना सही ठहरा देंगे हाँ तो वह तो चीज है ना यो जो भ्रष्टाचार है यो हमारे खून में रम रहस है यो खत्म ना हो चाहे मोदी आ जाओ चाहे को जाओ 19-20 का चाल लगायो और ये रहे गुंडे ये किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में जो मुख्यमंत्री बने उनके गुंडे आ जैसे दूसरे कहने मार दे से भगा दे से वो बदल जाएगा मुख्यमंत्री और आ गए उसके गुंडे फिर पैदा हो जैसे और उनके चले जैसे वे स्टेट ने छोड़ कर आ जाइए ये चाल लगे जी ये खत्म नहीं होते भ्रष्टाचार बिल्कुल भी खत्म नहीं ये हमारे खून में रम रह जाए आपने कौन सा ऐसा सीएम लगा ये बताइएगा जो थोड़ा कम भ्रष्ट था सब तक कम हरियाणा का देखो जी बंसीलाल था सख्त था काम पे अगर किसी रास्ते मतलब ये कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारी नु देखते भाई उड़े तो काम नहीं होया और बंसीलाल ने उड़े रोक देते कह देते अगर रास्ता नहीं है जी गाड़ी जाने का उन्हें कह देते चलो पैदल चल लो हमें उसने बेरा था कि काम नहीं हो रहा इसलिए मेरा रास्ता ये रुकावट डाल ला जाए ये रास्ता नहीं है पैदल जाना पड़ेगा वो 1-1 किलोमीटर पैदल जाके देख के आया करता
अरे इतने वरिष्ठ पुल बना जाए कई कई करोड़ रुपये ढह जैसे उनका उद्घाटन नहीं होता, उससे पहले ढह ले जाए बताओ। भ्रष्टाचार में तो उड़ा भी कोई वो थोड़ी ये देख लो जी, सरकार चलानी पड़ेगी, किराए के ले रखे थे पांच जे जे बीस मास ले रहा था भजन भजन लाल वाली माँ कुलदीप वाली माँ आज का बनाई थी तो वे वो डाल के कर ले थे के करे। ये देख लो तू जाने में जाओगे पांच साल भी नहीं पहले तो जेवड़े गेरे बिजली के रोल वाले जेवड़े इस तरह के पांच साल भी नहीं हुए उसमें पीछा खा लिया कमीशन खा लिया सब ने खा लिया सरकार ने भी खा लिया ठेकेदार ने खा लिया बदलन लाग रहे इब सिंगल गेरन लाग रहे तोड़ के कबाड़ में गिरे थे और सिंगल गिरे पता पांच साल भी नहीं हुए इनने खान का मतलब है। और जनता ने ऐसी रहे ना राज्य की कभी सुविधा नहीं कटती है चाहे काल पड़ जाओ ये पहले भी होया करते विवाह बात है इन नवे आपने सूट वूट पहनने आज के बोलना बताओ बात करो ठीक से बाकी बताओ कि ठीक भी से कि मैं गलत भी से नहीं तो खट्टर ने बढ़िया रहा चला है खट्टर ने की तो भ्रष्टाचार होने दिया आपने बताओ खट्टर ने कह देना भाई खट्टर के बंसी लाल भी ठीके से और खट्टर भी ठीके रहे आज है हरियाणा में पता खट्टर नु बता दो कौन ने लड़ाई कर रहा हूं लड़ाई ना हो जी बता दी खट्टर ही बढ़िया आदमी था खट्टर ने बढ़िया काम करे लोग तो नौकरी दी अपना सारे काम करे ये कार्ड कुड़िए ना बनाओ तो गरीबा के ना बनते यो तो एक बात बताऊ मड़ी सी बात चल जाए मीडिया का सड़न का काम हो सही तो ये बाप नु पता मड़ा नु होता वो करते हैं कोई भी हो मैं भी करूँगा मन दिख जाए मीडिया मतलब मैं तो हर एक पार्टी में कमी काटूंगा ये मैं काटूंगा ये कोई कांग्रेस में काट दे कोई बीजेपी में कोई उसमें चुटाला कहीं मैं तभी काट रहे हैं बताओ वो कई बार धरिया 20 साल तड़े बताओ आप उसके मतलब भी आज तक कमी काट 20 साल उसका दादा दूदा साल ये सब भी काटने लग रहे हैं बताओ क्या बताओ ना तो देवीलाल ने बढ़िया काम कर गया था अपने हिसाब से तो खट्टर ने देवीलाल ने बराबर का आदमी मानो आप आदमी तो बड़ा मुंह तो देवीलाल ले था जो बात करनी पड़ेगा लोग का बढ़िया काम करे किसान ते भी करया से सब ठीक है बढ़िया काम करे ये बात तो तुम भी गए सबने भी रहा भाई वो देवीलाल ने कभी ना छोड़ी थी अपने हरियाणा में ये पिल्सन 100 रुपये थी जब नूकर का दिया पिल्सन बढ़ गई नहीं पिल्सन तो बढ़ गई अंकल पर आप एक चीज ये तो देखो कि कम से कम आओ अंकल क्या हाल चाल ये हमारे प्रधान है जी आ जाओ बैठो बढ़िया काम कर रहे थे देवीलाल ने भी ये हमारे पटवारी जी है जी अच्छा बात नहीं पूछेगा आड़े लिया आड़ा आ जाओ ना हां आड़ा आ जाओ मेरे नहीं यहां आ जाओ एमएस आ जा भाई।